लव वाइब्रेशन सेंड करने की एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही असरदार टेक्निक आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। आप किसी को भी लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि कपल से लव वाइब्रेशन भेजें। लव वाइब्रेशन आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भेज सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं, अपने पार्टनर को भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है तो भी भेज सकते हैं। आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो भी 2-3 दिन में एक बार उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करिए। आप देखेंगे आपका रिलेशन और ज्यादा अच्छा हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो गई, प्यार और ज्यादा बढ़ गया। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कभी भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप जिस भी पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं उस इंसान की आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास उनका कोई फ़ोटो फ्रेम है, अच्छी बात है। नहीं है, मोबाइल में कोई फ़ोटो है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर उनकी फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है, अगर फ़ोटो नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, बट मैं प्रिफर करूँगी उनकी आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। आपको क्या करना है, लव वाइब्रेशन सेंड करने के लिए थोड़ी देर के लिए 5 मिनट एक सेपरेट कॉर्नर में बैठ जाइए, जहाँ पे आपको 5 to 10 मिनट कोई भी डिस्टर्ब ना करे, एटलीस्ट 5 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आपको क्या करना है, उस पर्सन की जिसको आप लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हो उनकी फ़ोटो ले लीजिए। अगर आपके मोबाइल में है तो भी आप उनकी फ़ोटो ले लीजिए। अब आपको शांति से एक जगह पे बैठ जाना है। कैसे करना है, उस इंसान की फ़ोटो आपको खोलनी है, उस फ़ोटो को देखना है, पूरे कंसंट्रेट होके देखना है। फोटो में देखना क्या है, फोटो में देखना है पर्सन की आईज को, आंखों को देखना है, ठीक है। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपका उस इंसान की आईज पे होना चाहिए, जैसे हम फेस टू फेस किसी पर्सन को देखते हैं। ऐसा मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आजकल लोगों की विजुअलाइजेशन थोड़ी कम होती जा रही है, तो आपकी विजुअलाइजेशन को और इंटेंस बनाने के लिए आपको उस इंसान की आंखों में एटलीस्ट 1 मिनट तक देखना है। 1 मिनट तक देखते ही ना आप उस इंसान के साथ एक कनेक्शन फील करोगे, उस इंसान के चेहरे पे जो स्माइल है उसको बहुत प्यार से ऑब्जॉर्व करिए। ऑब्जर्व करते हुए उनकी आंखों में डीपली देखिए, आपका पूरा फोकस उस वक्त उस इंसान की आंखों में होना चाहिए। ऐसा करते ही आपको 20-30 सेकेंड में एक कनेक्शन फील होगा। जैसे ही आप वो कनेक्शन फील करें, ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग टाइम पे होता है। किसी को 1 मिनट लग जाता है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, किसी को जस्ट 10 सेकेंड में हो जाता है। ये आप दोनों के रिलेशन पे डिपेंड करता है आपको कितना टाइम लगता है। जैसे ही आपको लगे कि कनेक्शन बिल्ड हो गया है, वैसे ही फोन को, फोटो को साइड में रख दीजिए और अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए। आशा करती हूँ इतना स्टेप आपको समझ में आ गया कि आप लोगों ने फोटो ली, उसको अच्छे से 1 मिनट तक अच्छे से उनके आंखों में देखना है, बिल्कुल आंखों में, आपका निशाना आंखों में होना चाहिए। जैसे ही कनेक्शन बिल्ड हो गया, फोटो को आपको साइड में रखना है, अपनी आंखें क्लोज कर लेनी है। आंखें क्लोज करते ही आपको एक डीप ब्रीथ लेना है, टेक अ डीप ब्रीथ, पूरा पेट भर के एक सांस लेनी है, डीप ब्रीथ। आंखें आपको क्लोज करके जब आप डीप ब्रीथ लेंगे, अब आपने जो उन इंसान को कनेक्शन बिल्ड किया है वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब आपको क्या करना है, आपको उस इंसान के साथ जो आपका बेस्ट मोमेंट है उसे अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करना है। थोड़ी देर तक आपको जो आप वो फोटो देख रहे थे उस इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने होगा। अब उसको एक रनिंग मोमेंट पे लाइए, आप दोनों का जो सबसे बेस्ट मोमेंट था, वो मोमेंट जिसमें आप दोनों बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे, कौन सा वो पल था, आप किसी मूवी पे गए थे, आप कोई पिकनिक पे गए थे, आप फर्स्ट टाइम मिले थे, आपका कोई कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसा मोमेंट जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा आपको खुश करने वाला मोमेंट था, ऐसे मोमेंट को विजुअलाइज करिए, याद करिए, रिक्रिएट करिए। उस मोमेंट को जैसे ही आप देखेंगे, आप ऐसा देखिए कि वो मोमेंट बिल्कुल आपके सामने चल रहा है, जैसे पिक्चर चलती है वैसे ही आपकी आंखों के सामने चल रहा है, और उस मोमेंट को और ज्यादा क्लोज से देखिए। जैसे ही आप उस मोमेंट को और क्लोज से देखेंगे, आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आएगी। एट सेम टाइम जैसे ही आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आए और आपका और मन करे उसे और ज्यादा क्लोज से देखने का, उस मोमेंट को, और भी कई पल आपके सामने आ रहे होंगे, उसी वक्त आपको अपना राइट हैंड, आपका सीधा हाथ आपके हर्ट पे रखना है, अपना सीधा हाथ आपको अपने दिल पे रखना है, जहाँ पे आपको अपनी हर्ट बीट महसूस होगी। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हर्ट, पुट योर हाई राइट हैंड ऑन योर हर्ट रीजन।
आपके हर्ट रीजन में थोड़ी सी सेंसेशन फील होगी, आपको ऐसा फील होगा कि आपका हर्ट एक्सटेंड कर रहा है, और ये जो वाइब्रेशन है ना, हर्ट से जो वाइब्रेशन निकल रही है, इसे पूरी बॉडी में फैलने दो, आपको पूरी बॉडी में एक खुशी की फीलिंग होगी। और उस इंसान के साथ उस मोमेंट को और देखते हुए अब आपको विजुअलाइज करना है कि वो पर्सन जस्ट आपके सामने खड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्रंट में आपके खड़े हुए हैं। अब आपको उस इंसान को बोलना है, आई लव यू, आई रियली लव यू, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप इस दुनिया के सबसे स्पेशल पर्सन हैं, एंड आई रियली लव यू। इस तरीके से बोलते हुए आपका हाथ आपके हर्ट सेंटर पे है, और आपकी आंखों के सामने वो पर्सन है, और आप उनको इस तरीके से बोल रहे हैं, दैट्स इट, बस। अब आपको अपना हाथ हटा लेना है, धीरे से अपनी आंखें खोल लेनी है, और बैक टू योर मोमेंट। आपका बस इतना सा 5 मिनट का ये टेक्निक इतना सटीक काम करेगा कि 24 से 48 घंटों में उस इंसान के पास लव वाइब्रेशन पहुंच जाएगी। और अगर ये टेक्निक करने के जस्ट बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपके चेहरे पे स्माइल होती है, तो ये सिग्नल होता है कि सेम टाइम पे पर्सन को लव वाइब्रेशन पहुंच गई है, उसने सेम टाइम पे रिसीव कर ली, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और अगर नहीं आते तो 24 घंटे के अंदर अचानक से उस इंसान की याद आपको आए, या आप सो के उठे और आपको उस इंसान की याद आ जाए, इसका मतलब आपने जो मैसेज भेजा है वो उन तक पहुँच चुका है। इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करें, और किसी को भी लव वाइब्रेशन भेजें, इनफैक्ट आप पेट को भी भेज सकते हैं, किसी गॉड को भी भेज सकते हैं। और आज फुल मून है, तो अगर आप आज के दिन करेंगे तो डबल ट्रिपल स्पीड से ये काम करेगा। और इसको ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये 100% वर्क करता है, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्यारा बनाएं।